घर में तो यार हम लोग कढ़ाई करते हैं और मतलब और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन ये तो मैंने ना पहली बार देखा है, बच्चों का बॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज हम खाएंगे केएफसी हॉट शॉट्स। केएफसी हॉट शॉट। केएफसी हॉट शॉट, नाम तो बहुत प्यारा है जी। हॉट शॉट्स, इसको चिकन पॉपकॉर्न भी कहा जाता है, लेकिन केएफसी पाकिस्तान ने इसको चिकन हॉट शॉट्स का नाम दिया है। हॉट शॉट तो बहुत अच्छा नाम है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर देवे। ये तो बड़ी बड़ी बात है कि चिकन के पॉपकॉर्न, क्योंकि हमने तो मकई के पॉपकॉर्न खाए हैं, बाकी चिकन के तो पहली बार सुन रहे हैं। यार ये हॉट शॉट थोड़ा जल्दी ले आओ, देखते हैं कौन सा बंदूक का गोली है जो नाम ही इसका ऐसा है, हॉट शॉट। आज तो भाई मैं भी शॉर्ट हो जाऊंगा लगता है। क्या बने हुए, खूबसूरत बने हुए, बहुत अच्छा। पॉपकॉर्न यानी चिकन हॉट शॉट। यार हॉट शॉट तो टिकटॉक तो सुना है, लेकिन ये हॉट शॉट जो है ना, ये नया ही कोई नाम रख दिया है। तो ऐसे जैसे पिस्तौल की गोली, लेकिन खाने में होंगे बड़े मज़ेदार, क्योंकि केएफसी के तकरीबन खाने खाएं तो बड़े टेस्टी ज़बरदस्त होते हैं। चले खाएं और बताएं क्या जायका कैसे है। ये ना मुझे बच्चों का खेलने वाला बोल लग रहा है। ये पॉपकॉर्न तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, गोश्त ही गोश्त है सारा। वाह वाह भाई, पॉपकॉर्न हल्का सा खा सकता हूँ, ज्यादा तो क्योंकि जोर नहीं लगता है, मेरे दांत नहीं है, सख्त है, ये थोड़ा कुरकुरा सा है। इसका नाम जो है हॉट शॉट रखा हुआ है, और उसके अलावा जो है ना पॉपकॉर्न यानी चिकन पॉपकॉर्न, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसका नाम जो है ना रखता हूँ हार्ड बॉल, क्योंकि इसका ये कुरकुरापन है बहुत ही हार्ड है, हार्ड बॉल। वैसे हम लोग चिकन के चावल बनाते हैं, चावल के साथ ज़्यादा खाते हैं, और सालन बनाते हैं तो रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन ये चिकन पॉपकॉर्न पहली बार खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई पकौड़ा वगैरह खा रहा हूँ चिकन का। ऐसे तो हमारे यहाँ पकौड़े मिलते हैं बेसन वगैरह के, सूखा घर में नहीं पकता है, घर में तो ग्रेवी वाला पकता है, जो सूखा हम लोग खाता ही नहीं है ज्यादातर, रोटी से ही खाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त भाई, केचप के साथ तो इसका मतलब जायका ही कुछ और हो जाता है। वैसे एक बार केएफसी के फ्रेश चिकन खाए थे, वो तो इतने बड़े बड़े पीस थे, लेकिन उससे ये अच्छा है कि ये हैं भी सही छोटे और हड्डी भी नहीं है, आराम से बंदा खाता रहे मज़े से, कोई परेशानी नहीं। पॉपकॉर्न वाला आता है, लेकिन वो मशीन वाला जो मतलब वो डालता है, पता नहीं क्या चीज़ डालता है, जो जंप लगाता है, पॉपकॉर्न डालता है या क्या चीज़ मतलब जंप लगाता है, वो देखा है मैंने, लेकिन ये तो यार बहुत प्योर चीज़ है, पहली बार देखा मैंने। फिल्मों में लोग बैठे रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, पॉपकॉर्न और खाते रहते हैं ऐसा। केचप के साथ तो बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना घर में जो देसी चटनी बनाते हैं दही और पुदीने की, अगर वो होती ना साथ में तो फिर तो इसका मज़ा ही कुछ और होता। वाह वाह वाह, आज तो भाई मज़ा आ गया, आज तो लगता है मुझे भाई बॉडी शॉडी भी बनेगी तो मज़ा आएगा। वाह वाह यार, वैसे भी कमज़ोर बंदा हूँ ना, थोड़ा ये माल खाऊंगा ऐसे हॉट शॉट तो बॉडी भी बनेगा कड़क। वैसे ये हॉट शॉट को खा के तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। यानी ये पॉपकॉर्न अगर शादी ब्याह में अगर बनाए जाए ना, तो मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से लोग खा जाएं, क्योंकि इतने टेस्टी और इतने बेहतरीन कुरकुरे हैं। आपको वो पसंद आई हॉट शॉट के? पसंद तो बहुत आई, देखने में भी पसंद आई, खाने में भी पसंद आई, लेकिन मैं खा नहीं सका, अभी भी जल बोलती है कि ऐसे चीज थोड़ी नरम होती थी, मैं खा जाता था। आई बिकम अ फैन ऑफ केएफसी हॉट शॉट। वैसे ये केएफसी वालों ने क्या सोच के इसका नाम पॉपकॉर्न रख दिया, वैसे बॉल भी रख सकते क्योंकि ऐसे गोल मटोल बने हुए हैं। केएफसी वालों को मैं गुड बोलना चाहता हूँ भाई, बहुत ही प्योर चीज़ बनाई, बहुत ही मुझे मज़ा आया खा के, इसको मैंने पहली बार खाया, क्योंकि इसका ऊपर वाला साइज़ था ना जो कड़क कड़क कर रहा था, वो मुझे बहुत मज़ा दिया अपने भाई।
वाह कैप्सी वाह, गुड गुड बोलता हूँ भाई। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।